ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सोशल मीडिया पर जो घमासान मचा था उसे लेकर सिंधिया ने मीडिया के सामने बयान दिया है। दरअसल 20 मार्च को अचानक ये घमासान तब शुरू हुआ जब भारतीय युवा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से दावा किया गया कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का जिक्र हटा दिया है। एमपी यूथ कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, उसूलों पर आज फिर आ रही है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटाया ट्विटर से भाजपा का नाम। इसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जवाब दिया है। बायो को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाया गया आपने भी आपने मेरा बायो चेक किया तो देखने के बदले अगर जनता की आवाज सुन ली होती तो कांग्रेस की ये स्थिति न होती। सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा ट्विटर बायो देखने की जगह जनता की आवाज सुन ली होती तो कांग्रेस की ये स्थिति न होती। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल सिंधिया का कांग्रेस के साथ आने का कोई सवाल नहीं है। जो भी बातें बीजेपी से नाराजगी को लेकर आ रही हैं, वो महज अफवाह है। यूथ कांग्रेस का ट्विटर वाला दावा गलत साबित हुआ क्योंकि कई फैक्ट चेक वेबसाइट ने ये दावा किया है कि सिंधिया ने अपने ट्विटर बायो नहीं बदला और उन्होंने कभी भी अपने ट्विटर बायो में बीजेपी शब्द लिखा ही नहीं था। और सिर्फ सिंधिया ही नहीं, मोदी सरकार के किसी भी मंत्री के ट्विटर बायो में बीजेपी का जिक्र नहीं है। इनफैक्ट अमित शाह तक के ट्विटर बायो में बीजेपी का जिक्र नहीं है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने सिंधिया पर ऐसा बयान दिया जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि उस बयान का संबंध सिंधिया की वापसी को लेकर बिल्कुल भी नहीं था। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन जाती है, दिग्विजय सिंह बुरी तरह से हार जाते हैं, अगर वापस कांग्रेस में आते तो क्या कांग्रेस नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं हारेंगे क्योंकि वो तो चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं। उनके लोग जो तो रहा, उनके लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह लड़ेंगे तो उनके अब वो नहीं, दिग्विजय सिंह जी शायद न लड़े, सिंधिया जी भी नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, वो थोड़ी राज्यसभा में मंत्री क्यों लड़ेंगे, वो नहीं लड़ रहे। मैं तो मिस करता हूँ, मैं मिस करता हूँ क्योंकि सिंधिया जी का एक कांग्रेस को एक लाभ था, एक पोटेंशियल है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, बड़े अच्छे लगता है।